एवरीवन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए आज का वीडियो। बहुत लंबे समय से मेरे से डिमांड थी कि आप स्टैटिक जीके के ऊपर ये बता दीजिए कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिससे हमारा सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये जो वीडियो है, मैं लगभग 5 साल के लास्ट के SSC के पेपर उसमें कंपाइल करके देखे मैंने, जहाँ से वेटेज ज़्यादा देखा जाता है। तो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप इन पर सबसे ज़्यादा पहले कमांड करेंगे तो आपके लिए सबसे वैल्यूबल रहेगा। आप जानते हैं कि स्टैटिक जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा वैल्यू कैरी करता है आपके एग्ज़ाम में। अगर हम 25 के क्वेश्चन बात करते हैं, चाहे CGL, MTS या CHSL कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC द्वारा कंडक्ट जो कराया जाता है, उसमें से 25 क्वेश्चन में से आप ये अंदाज़ा लगा के रखें कि कम से कम तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं, और ये मैक्सिमम कई बार 7 क्वेश्चन तक भी गया है, पर इससे ज़्यादा नहीं जाता। 5 या 6 क्वेश्चन, 5 आप एवरेज लेके चलिए कि 5 क्वेश्चन एटलीस्ट आते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्टैटिक जीके करनी कैसी है, कौन कौन से टॉपिक से करना है। चाहे आप कहीं से पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, आपके लिए फिर भी ज़रूरी पड़ जाती है वीडियो। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आपको बहुत प्रॉपरली तरीके से समझा दूँ कि आपके लिए कौन कौन से आपको पहले प्रायोरिटी पर रखना है, क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट माना जाता है, बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस है। पर आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करेंगे तो आपका हो जाएगा, उसमें आराम से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बात करता हूँ जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको सबसे ऊपर रखिएगा। तो सबसे पहला है आपका, जो हम शुरुआत से बात करते हुए आए, आपने देखा भी होगा, यहीं से लिख लेते हैं इसको, दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर पे, तो उसका नाम है आर्ट एंड कल्चर। मैं ये भी बताऊंगा आपको, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिर मैं बात करता हूँ इसके ऊपर। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर जिसको हिंदी में कहेंगे कला एंड संस्कृति। आप रिसेंट के, ये पहले के कुछ पेपर का पैटर्न हुआ करता था, वहाँ पर थोड़े से कम आते थे आर्ट एंड कल्चर के, बट अभी रिसेंट के पेपर आप देखेंगे उठा के, तो आर्ट एंड कल्चर के 50% कैरी करके चल रहा है स्टैटिक जीके का पूरा वेटेज का। जैसे मान के चलिए हमारे एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिक जीके के 25 में से, तो उसमें से 3 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर के आ रहे हैं। और ये बहुत हैरानी वाली बात है, अभी 2019 के पेपर में देखा गया, आप 2020 के पेपर में देखा गया, 2022 में तो इसने बहुत ज़्यादा दिक्कतें कर दी कि CGL के 2022 के पेपर में 3-3, 4-4 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के थे। तो आपको प्राथमिकता के तौर पर इसको रखना है। इसका एक्सेप्शन केस अभी हमने 2022 के मेंस के एग्ज़ाम में देखा कि वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन नहीं आए थे, वो थोड़ा सा दिक्कत कर गया था। तो कहने का मतलब कि आर्ट एंड कल्चर का मेंस में कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसा नहीं है। कई पैटर्न थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, तो आपको उसको ऐसा इग्नोर करके नहीं चलना, प्री के एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप MTS, CPO, CHSL, CGL, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम SSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो इसको प्राथमिकता में आपको पहले नंबर पर रखना है, इसको अच्छे से करना है। मैं आगे आपको बताऊँगा कि रिसोर्सेज क्या है आपको आर्ट एंड कल्चर करने के। मैं आपको शुरू से कहता हूँ कि स्टैटिक जीके एक अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट माना जाता है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या कहाँ से चीज़ आ जाएगी। सब्जेक्ट वाइज मैं जो आपको बता रहा हूँ, सेम आर्ट एंड कल्चर के भी साथ है, पर अगर आप राइट अप्रोच लेके चलते हैं तो आप इजीली इसको आराम से कमांड कर सकते हैं आर्ट एंड कल्चर को। मैं आगे लास्ट में रिसोर्सेज बताऊँगा कि आप कहाँ से इसको कमांड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरे नंबर पर आ जाता है, जिसको कहा जाता है बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स, इसको हम अच्छे से समझते हैं क्या है ये। बुक्स एंड ऑथर बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक माना जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते होंगे तो आपको दिखा होगा बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में ना आए। आप इस बार के CHSL का 2022 का एग्जाम्पल दिखेगा, मैं हर चीज़ आपको पेपर के एनालिसिस के बाद ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास हर साल मैं पेपर को एनालिसिस करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। बुक्स एंड ऑथर बहुत ही वैल्यूबल टॉपिक है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ एक क्वेश्चन, कई बार 2 क्वेश्चन आते हैं, और ये ज़्यादातर देखा जाता है कि एवरेज 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये मत सोचेगा कि अब मैंने यहाँ बोला 4 क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने बोला 2 क्वेश्चन, फिर मैं आगे बोलूँगा 2 क्वेश्चन, तो आप सोचेंगे कि 25 में से इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऊपर नीचे हो जाता है। अगर कभी आर्ट एंड कल्चर के 3 आ रहे तो यहाँ पर 2 हो गए या 1 हो गया, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ अमूमन एवरेज के हिसाब से, ठीक है। कई लोग ज़्यादा दिमाग लगाने लग जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बुक्स एंड ऑथर्स के मैक्सिमम 2 क्वेश्चन और मिनिमम 1 क्वेश्चन आता है। अब आता कहाँ से ये चीज़ समझनी है, मान ली देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 2 तरीके से आता है, और ये मैं अभी रिसेंट के पेपर भी CHSL का मैंने एक देख रहा था पेपर जो भी हुआ था, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 तरीके से कैसे आता है। एक आता है आपके करंट के बेसिस में, करंट अफेयर के बेसिस में, एक होता है आपका स्टैटिक जीके के वाइज। अब स्टैटिक जीके क्या होता है ये भी समझ लेते हैं, और करंट अफेयर,
करंट अफेयर में वो बुक्स आती हैं जो बहुत बड़े बड़े आपके ऑथर के द्वारा लिखी जाती है, बहुत बड़े बड़े लेखकों के द्वारा लिखी जाती है, तो उनको आप करंट अफेयर में रखेंगे। जैसे सुधा मूर्ति, बहुत बड़ी नाम है उनका, इन्फोसिस जो हमारी आईटी कंपनी बहुत बड़ी भारत की, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है जिसका, उसके एक तरीके से को फाउंडर है सुधा मूर्ति, उनकी बुक्स आ गई थी अभी। अरुंधति रॉय, हम जानते हैं कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो गया आपका, और द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस हो गई, ये इनकी फेमस बुक्स हैं, किनकी? अरुंधति रॉय की। बट अभी रिसेंट के टाइम पे आपके पेपर में उनकी करंट की बुक्स आ गई थी, तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ करंट पढ़ रहे हैं तो जो बहुत बड़े ऑथर रहे हैं, शशि थरूर हो गए, उनकी कोई बुक्स आ रही है तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, वो क्वेश्चन में आता है। तो पहली बात करंट अफेयर के हिसाब से करनी है, सारी बुक्स नहीं करनी करंट अफेयर में, ये याद रखना आपको। दूसरा, स्टैटिक जीके की बुक्स कौन सी होती है आप जानते हैं, रविनाथ ठाकुर जी ने हंगरी स्टोन लिखी थी, काबुली वाला, गीतांजलि, कालिदास जी के द्वारा मेघदूत, रघुवंशम, ऐसे टाइप की जो बहुत ही फेमस बुक्स, जैसे आपके इंडियन ओपिनियन एक तरीके से न्यूज़पेपर था पर उसका बुक्स के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू के साथ, तो सॉरी महात्मा गांधी के साथ, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आपके जवाहरलाल नेहरू, मतलब ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज़ के द्वारा जो बुक्स लिखी गई है उनको आपको याद रखना पड़ता है स्टैटिक जीके में। तो कहने का मतलब आपको पहले स्टैटिक वाइज हम बात करें तो स्टैटिक को भी ध्यान में रखना है, करंट में भी याद रखना है। कोई करंट की बुक्स आ रही है तो नोट्स में आप लिख लीजिए, वो बहुत वैल्यूबल रहता है, वहाँ से भी कई बार बुक्स एंड ऑथर्स आ जाता है और ये वैल्यूबल टॉपिक है आपका, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, इसके बाद आता है आपका फेमस अवार्ड्स, क्या आता है फेमस अवार्ड्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है फेमस अवार्ड्स। अब फेमस अवार्ड्स कौन से होते हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया, आपके कोई भी अवार्ड्स अगर हम बात करते हैं, जैसे ग्रैमी अवार्ड हो गया, एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है या पहले किसको मिला था, लाइक आपका नेशनल अवार्ड की एस्टैब्लिशमेंट कब की जाती है, आईफा अवार्ड की एस्टैब्लिशमेंट कब की जाती है, किनको पहली बार मिला था, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, ऑस्कर अवार्ड, ये सारे अवार्ड जो मैं बताता हूँ आपको। आपने अगर मेरे एप्लीकेशन के कोर्स के साथ जुड़े होंगे या मेरे आप यूट्यूब से भी जुड़े होंगे तो आपने वीडियोज़ देखी होंगी, अवार्ड सेक्शन वाले टॉपिक पे मैं बहुत डिटेल में आपको समझाता हूँ कि इसलिए ही कारण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, आपसे कुछ भी आ जाएगा, मैं करंट को जोड़ नहीं रहा हूँ। करंट में तो आपके अवार्ड्स आपको याद ही रखने पड़ते हैं, जैसे बड़े बड़े अवार्ड होते हैं जो रिसेंट में मिलते हैं, वो अलग पॉइंट है। स्टैटिक जीके वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, नोबेल प्राइज़ हो गया, नोबेल प्राइज़ के आपके पूछेंगे कि 1901 में सभी कैटेगरी के आपको याद होने चाहिए, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, अवार्ड्स आपके जो होते हैं फेमस अवार्ड्स। मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार हो गया, ये हम स्पोर्ट्स में लेके अलग से चलेंगे, पर अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तीसरा पॉइंट ये हो जाता है। चौथी बात हम करते हैं जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक और फेमस अवार्ड्स हो गया, अब इसके बाद हो जाता है हमारा स्पोर्ट्स जिसको खेल कहा जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्पोर्ट्स में क्या आपका ओलंपिक हो गया, एशियन गेम्स हो गया, किन्होंने क्या क्या प्रदर्शन करा, हमारे ओलंपिक में अभी तक का भारतीयों का क्या प्रदर्शन रहा था, हमारे ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल लेने वाले रिकॉर्ड किस, जैसे हम बात करते हैं माइकल फिलिप्स के बारे में, सबसे ज़्यादा अवार्ड लिए उन्होंने, सॉरी मेडल लिए, 23 गोल्ड है और आपके बाकी मिला के टोटल उनके 28 मेडल्स हैं ओलंपिक में। ये स्टैटिक जी के बारे में क्वेश्चन है और ये सारे आपके एग्जाम में रखे हैं। तो जैसे मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार हो गया, पहले किनको मिला था या पहली महिला कौन थी, राइट, करंट अफेयर में भी आपका वो अलग पॉइंट है, पर बहुत ही महत्वपूर्ण है स्पोर्ट्स के लिए। तो स्पोर्ट्स की जो भी इवेंट होती है स्टैटिक जीके वाइज, जैसे हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं या एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं कोई भी, या इससे रिलेटेड आपके बहुत बड़े बड़े पुरस्कार हैं, अर्जुन अवार्ड हो गया, कब स्थापना हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार, कब स्थापना हुई थी 1985, ऐसे आपको रिलेट करना है और ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है जो आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो स्पोर्ट्स आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक में चौथे नंबर पर कैरी करके चलता है। ये कभी कभी आता है, पर आता है तो ऐसा आता है कि आप आराम से इसको बना सकते हैं, और जैसे ये नहीं कि और जैसे आपके टॉपिक उसमें आपको दिक्कत करता है। इसके बाद आता है आपका प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जिसको कहा जाता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हमारा एक पॉलिटिकल इशू होता है जो हम पॉलिटी में बात करते हैं, डिबेट में, सॉरी टॉपिक्स में। एक होता है आपका स्टैटिक वाइज, अब स्टैटिक वाइज क्या है, जैसा आप जानते हैं हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमने बताया था स्टैटिक जीके क्या होती है, जो हमारे देश आज़ाद हुआ है और आज तक जो हमारा चल रहा है हमारे एग्ज़ाम से 5-6 साल पहले का, वो सभी स्टैटिक जीके के अंतर्गत आ जाता है। जो 2-3 साल का रहता है आप जानते हो करंट का पार्ट होता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे रहे उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए हमारा 1971 के वॉर के टाइम पे हमारे वो डिफेंस मिनिस्टर कौन रहे थे, हमारे पहले कैबिनेट का क्या नाम था, राइट, हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचशील सिद्धांत लाया गया था उसमें क्या क्या फीचर्स थे, ये सब चीज़ें, जैसे इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी किस वर्ष लगाई गई थी, कौन सी डेट को लगाई गई थी, कब समाप्त की गई थी, ये सारे पॉइंट मैं आपको प्राइम मिनिस्टर वाली वीडियो में बता चुका हूँ।
हालांकि मैं इसके ऊपर एक बहुत डिटेल में लेक्चर कराऊंगा जो लगभग 4-5 घंटे का चले जाएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, ये सभी चीज़ इंदिरा गांधी से रिलेटेड था। तो ये सब क्या करेंगे आप, प्राइम मिनिस्टर वाले टॉपिक में आ जाता है और बहुत ही वैल्यूबल है। एक या दो क्वेश्चन बहुत ज़रूर आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद आप प्रेसिडेंट भी देख सकते हैं, पर प्रेसिडेंट इतना मायने तौर पर आपके लिए स्टैटिक वाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, अब हम बात कर लेते हैं जैसे कहा जाता है नेशनल पार्क, नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, नेशनल पार्क आप याद रख लीजिएगा इसको, टाइगर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बर्ड सेंचुरी हो गया, ये सारे आपको इनको बहुत डिटेल में आना चाहिए। आपको डिटेल मतलब आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा याद रखें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब होती है, कुछ कुछ फेमस जैसे हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सब चीज़ें आपको इसी के अंतर्गत आती है। बस आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि आपका दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपको यूपी याद रखना है, आपको यूपी के सारे नेशनल पार्क याद रखने हैं। वैसे नेशनल पार्क की संख्या बहुत सारी है पर आप सारे याद नहीं रख सकते, पर एटलीस्ट मेरे हिसाब से कुछ तो आप याद रख सकते हैं, तो उस हिसाब से नेशनल पार्क बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पर मैंने इसको लास्ट यहाँ पे क्यों रखा हुआ है आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ, मैं कुछ साल से पेपर देख रहा हूँ, जब हम 2017 की बात करते हैं, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम 2016 में स्टार्ट होते हैं, नेशनल पार्क बहुत आया करते थे, पर नेशनल पार्क अब धीरे धीरे डाउन हो गया यहाँ से टॉपिक। पता नहीं क्या ऐसा टॉपिक हो रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, और ये आपके लिए अच्छी चीज़ है मैं अगर बताऊँ तो, क्यों, क्योंकि ऐसा सब टॉपिक होता है अगर आपने पढ़ा हुआ आ गया तो आ गया, अगर उसका एग्जामिनर का दिमाग है कि मुझे इस बच्चे को करने ही नहीं देना इस टॉपिक से क्वेश्चन, तो वो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा कि आप फंस जाएंगे। जैसे मैंने बोला है कि 500 से ज़्यादा आपके टाइगर रिजर्व हो जाते हैं, नेशनल पार्क हो जाते हैं, कितने याद कर लेंगे हम, मेनली हम खींच खांच के करेंगे तो 150 कर लेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे, गारंटी थोड़ी जो हम पढ़ के जा रहे हैं वही आ जाएगा। तो ये ऐसा है, थोड़ा सा दिक्कत करता है बच्चों को, तो इसको अगर आप थोड़ा सा हटकर याद करके जाएंगे, कहने का मतलब मैं जो मैंने आपको बता रखा है आप चैनल पर देख लीजिएगा, नेशनल पार्क के बारे में अच्छे से आपको बताया, उसको वैसे करके जाइएगा जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। पर इसका एक और आपके पास कंक्लूजन है, क्या कर सकते हैं इसमें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ ज़रूर जाना है, इसके साथ अपडेट रहना है, जैसे कुछ आया आपके सामने। कई बार ऐसा ज़रूर होता है किसी ना किसी शिफ्ट में नया नेशनल पार्क पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट एक फेज़ हो जाता है जो आपका नेशनल पार्क के रूप में पूछा जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है फेस्टिवल्स, फिर इसके बाद आ जाता है आपका डांस फॉर्म्स, फेस्टिवल्स डांस, ये दोनों टॉपिक जब मैं अपने कोर्स में भी कराता हूँ स्टैटिक जीके में एप्लीकेशन पे, मैंने जब कराया आपको तो उसमें भी मेरे से डाउट थे कई लोगों के, अभी मैंने हालांकि टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, डाउट ये आए कईयों के कि अभी आपने कराया है कोर्स में और कुछ नए एक दो फेस्टिवल्स आ गए, एक दो नए डांस फॉर्म आ गए, डांस फॉर्म की तो कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई, पर फेस्टिवल वालों में बहुत लोगों को दिक्कतें आई। मैं ऑनेस्टली आपको बता दूँ, कुछ चीज़ों की छुपा के कोई बात नहीं है कि मैं आपको बोल दूँ आप मेरा कोर्स परचेज कर लीजिए सब चीज़ आ जाएगा, तो उस चीज़ के लिए आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको भी थोड़ा बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। कैसे समझते हैं, फेस्टिवल्स की बात मैं जो आपको बता रहा हूँ कि फेस्टिवल और डांस फॉर्म ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, खासकर फेस्टिवल्स। मैं आपको बता दूं, फेस्टिवल अब जब जाते हैं तो आपको याद रखना है, स्टैटिक जीके वाइज भी याद रखना है, दूसरा आपको करंट अफेयर के हिसाब से भी आपको याद करके चलना है। करंट अफेयर कैसे, क्योंकि कई फेस्टिवल्स रिसेंट में मनाए जाते हैं और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हमारे देश में इतने सारे स्टेट हैं, इतने सारे यूटीज़ हैं, हर स्टेट में कम से कम नहीं तो 50 आपके फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। एग्जामिनर का मूड है, जहाँ से उठा के रख दिया तो रख दिया, अगर वो चाह रहा है कि आपको थोड़ा कराना चाह रहा है कि चलिए आप करके आए, तो आपको वही पूछेगा जो वह फेमस रहते हैं, जो हमारे हर जगह फेमस हैं। जैसे आप लूर फेस्टिवल की बात करते हैं, या आप रजा पर्व फेस्टिवल की बात करते हैं, पोंगल के बारे में, आपके ओणम के बारे में, तो वो आप आराम से बना लेंगे। अब ये नहीं हो रहा है, मैं यही कहता हूँ कि आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। जब मैंने देखा कि फेस्टिवल्स आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो फेस्टिवल में क्या हो रहा है कि अब उसके अंदर डिटेल में आ जा रहा है। अभी रजा पर्व के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, शायद आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको रजा पर्व के बारे में। पोंगल के बारे में डिटेलिंग पॉइंट पूछ रहा है कि उस फेस्टिवल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको उनके दिमाग में रखना है। इसलिए फेस्टिवल में आप याद रखिएगा, पहला आपको स्टैटिक जीके में बहुत मजबूती से रखना है, दूसरा करंट अफेयर, करंट अफेयर में जो भी फेस्टिवल हो रहे हैं उसको आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि वो कई बार देखा जा रहा है करंट अफेयर के फेस्टिवल्स पूछे जा रहे हैं। जब मेरे पास डाउट में आया कई लोगों ने, तो मैंने बोला बताइए फेस्टिवल कौन कौन से, उन्होंने मुझे लिस्ट भेजी जो अच्छे खासे पढ़ने वाले, वो बताते हैं कि ये क्वेश्चन आए।
जब मैंने उनको एक बार डिटेल में देखा कि हाँ ये कहाँ पर है, कब कब मनाए गए हैं, तो देखा गया सारे करंट के थे। तो ये भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको करंट अफेयर के हिसाब से भी लेके चलना है, ना कि स्टैटिक जीके वाई। स्टैटिक तो हम कर ही रहे हैं पर करंट अफेयर भी करना है। दूसरी बात है डांस फॉर्म्स। डांस फॉर्म में भी आपकी ज़्यादातर पकड़ जितनी हो सकती है आप मैक्सिमम रख सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अगर एग्जामिनर का मूड हो गया कि मैं नहीं बनाने दूंगा इसको क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन देगा कि आपको फंसा देगा। तो हमेशा इसके लिए क्या रामबाण इलाज है, पहले आप जो मैंने आपको बता रखे हैं डांस फॉर्म, या आप जहाँ से भी कर रहे कोई मैटर नहीं करता, पर अच्छे डांस फॉर्म याद रखने, कम से कम 100 तो आप याद रखें, मेरा ये मानना है। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करके जाएं। दूसरी बात, आपको जैसे पेपर हुआ है CHSL 2022 का, तुरंत उठाया आपने उस पेपर को, और तुरंत उठाने के बाद आपको उसके जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं आपको तुरंत उठाना है डांस फॉर्म्स के क्वेश्चन को से, उनको साथ में नोट डाउन करके रख लेना नोट्स में। ये बहुत ही वैल्यूबल है आपके लिए। तो मतलब दोनों टॉपिक में आपको रिसेंट के, खासकर मैं डांस फॉर्म की बात कर रहा हूँ और नेशनल पार्क की, कभी भी होता है पेपर में आता है तो उसके नोट्स बना के रख लीजिए, क्योंकि वो बार बार रिपीटेशन के चांसेस देखे जाते हैं, क्योंकि हर बार डांस फॉर्म से रिलेटेड नए नए क्वेश्चन बन जाते हैं। डांस हो गए, अब इसके बाद हम जो बात करते हैं यहाँ से कभी बनते हैं कभी नहीं बनते, जो होता है आपका डेज, इंपॉर्टेंट डेज। आप जानते हैं कि सरोजिनी नायडू जी के नाम पे पूछा था कौन सा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है, थीम आएगा तो आप करंट अफेयर के हिसाब से याद रखेंगे, पर डेज आपको याद रखना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप जाते हैं करंट अफेयर के हिसाब से, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप डेज पे ज़्यादा फोकस रखें। स्टैटिक जीके वाइज तो आपको याद रखना है, डेज के वाइज भी, क्योंकि वहाँ पर आपको थीम भी याद करनी है, रिविज़न भी हो जाएगा, तो आपको इंपॉर्टेंट डेज आपके एक ना एक आ जाता है। पर ये देखा जाता है कि कई बार एग्जाम में नहीं आते क्वेश्चन, कई बार होता है कि जैसे मान के चले 10 शिफ्ट है, 10 शिफ्ट में से कुछ अगर हम बात करें तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता है तो 6 से 7 शिफ्टों में ये आता है क्वेश्चन। तो ये करंट का टॉपिक ज़्यादा वैल्यू बन जाता है बजाय अगर हम स्टैटिक की बात करते हैं। कई बार थीम बेसिस पे आ जाता है तो आप उसको स्टैटिक में जोड़ नहीं सकते, पर इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ है। फिर इसके बाद चलते हैं हम इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। इसी के साथ एक और टॉपिक जुड़ जाता है जिसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों के दोनों। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, जैसे आपके पूछा जाएगा लॉजन स्विट्जरलैंड में किसका हेडक्वार्टर है आपका, जैसे आप बात करते हैं क्या नाम है आपका, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो गया, वेटलिफ्टिंग कमेटी हो गया, सभी का जो फेडरेशन है उनका हेडक्वार्टर आपको ज़्यादातर स्विट्जरलैंड लॉजन में देखा जाता है, लियोन में जो आपका फ्रांस के लियोन में है आपका इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। नेशनल इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर्स को आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस कंडीशन में जब एग्जामिनर के मूड में है कि सारे क्वेश्चन मैं यहीं से बनाऊंगा। ये मैंने कई बार देखा पेपर में कि जब एक बार पेपर हो रहा होता है तो जब वो पूछ रहा है एक टॉपिक से तो लगातार पूछता रहेगा हर शिफ्ट में, तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर आ जाते हैं। और ये सिंपल सा भी ज़्यादा टॉपिक दिक्कत करता नहीं है, तो आप इनको याद रखिएगा, फेमस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल तरीके से। इसके बाद है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसा आपका पूछा जाएगा बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान जिसको कहते हैं, नेशनल रिसर्च, नेशनल गोट रिसर्च सेंटर, या पूछा जाएगा नेशनल शुगर केन रिसर्च सेंटर, ये सारे क्वेश्चन आपके कहाँ पर होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशंस में। इनको भी आपको याद रखना है प्राथमिकता के तरीके से। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से आपको पहले प्रायोरिटी के हिसाब से हमने बात कर ली, दिख रहे होंगे आपको, इनको नोट डाउन करके रखना है। फिर हम बात करते हैं टेम्पल्स के बारे में। टेम्पल्स, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आजकल के क्वेश्चन में पेपर में आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था टेम्पल्स, अब मैं हर एग्जाम के जो देखता हूँ, 2022 के पेपर देखा, 2021 का देखा, एक टेम्पल का क्वेश्चन जरूर आता है। और टेम्पल बहुत हमारी किस्मत अच्छी रहती है कि वही टेम्पल पूछे जा रहे हैं लास्ट के कुछ पेपरों में, एक आध एक्सेप्शन केस को लेकर, कि सारे हमारे पूछे हुए हैं जो हमारे हमने पढ़ रखे हैं, जो हमने बता रखे हैं आपको, या आपने कहीं जगह कहीं से पढ़े होंगे, तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए बन रहा है। तो टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बोनस सब्जेक्ट माना जाता है, टॉपिक जिसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद एक और आता है जिसको कहा जाता है कंपनीज, फेमस कंपनीज, फेमस कंपनीज, जैसे आपका यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, राइट, फेसबुक हो गया, इनकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ ली, इनके फाउंडर का नाम पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन आपके आजकल के एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, तो ये सब चीज़ों को आप याद रखिएगा, टेम्पल्स हो गया, कंपनीज हो गई, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं जरा साइड में हट जाता हूँ, अब इन टॉपिक को सारा याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब एक और मैं बता दूँ, ये जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण और भी हो जाता है जिसको कहते हैं एयरपोर्ट्स,
एयरपोर्ट्स और स्टेडियम। स्टेडियम कम आता आपके एग्ज़ाम में, पर आपका एयरपोर्ट्स ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एयरपोर्ट्स को भी याद रखिएगा। कहने का मतलब था खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ इसको थोड़ा सा ध्यान रख के चलें, ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल से हैं, बार बार वही पूछे जाते हैं आपके, तो इसमें दिक्कतें नहीं आती। अब मैं आपको इसका सार बताता हूँ कि लास्ट में आपको करके क्या चलना है, पूरी कहानी का सार क्या है, कि आपको प्राथमिकता पर कौन से रखने हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये सारे के सारे टॉपिक जो आपको लग रहा होगा स्टैटिक जीके के बस इतने ही टॉपिक होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैंने आपको मेन मेन इंपॉर्टेंट बताए हैं, बाकी अगर आपको सारे टॉपिक बताने हैं तो मैं अलग से टॉपिक में समझा दूंगा, कि अगर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है तो आप सारे करके जाएं। क्यों? क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में। सिंपल सी बात तो ये है कि आपके आ जाए फेमस स्लोगन्स, बताइए किन किन के, किसने कौन कौन से स्लोगन्स दिए थे, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इनको प्राथमिकता पर रखना है सबसे पहले। ये इनमें से कोई भी आपको टॉपिक छोड़ के नहीं जाना, हो सके बहुत मजबूती के साथ चलिएगा। दूसरी बात, आप इसको करने के तरीके कैसे कैसे करना है, तो देखिए मैं आपको यही बोलूँगा, करने के तरीके बहुत सारे हैं, जो भी देख रहे हैं आप बहुत डिटेल में पढ़ें, प्लस में प्रीवियस सच के क्वेश्चन रखें। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप सभी जानते होंगे, अगर नए हैं तो आप एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। स्ट्रैटिक जीके का कोर्स चल रहा है बहुत ही मिनिमम प्राइस में, मेरे द्वारा चल रहा है, तो मेरे सारे टॉपिक आपके इसमें बहुत डिटेल में करा रखे हैं। जैसे आपका आर्ट एंड कल्चर का है, लगभग 5 चैप्टर में कराया और वो लगभग 4-5 घंटे का टॉपिक गया होगा। सेम यही कहानी बुक्स एंड ऑथर्स की, लगभग 4.5 घंटे का है। आप बात करेंगे फेमस अवार्ड्स, ये भी लगभग 4.5 घंटे का है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी टॉपिक मैंने बता रखे हैं डिटेल में बता रखे हैं, क्योंकि आज के टाइम में थोड़े से ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चन कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। साथ में प्रीवियस ईयर्स के कंपाइलेशन भी कराए जाते हैं, जिससे आपकी थोड़ी मजबूती रहे, और 1 ईयर की वैलिडिटी है अगर आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। बाइलिंगुअल है, PDF आपको साथ में मिल जाती है, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी अगर आप इसको करके चलते हैं। पर मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे आप मेरे कोर्स से चल रहे हैं चाहे किसी भी कोर्स के साथ चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि आपको पहले बेसिक बनाना है कि हाँ ये मेरे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, फिर आप उस पर करेंगे तो आपके सारे काम बन जाएंगे। तो मेरा मानना है अगर आप कोर्स के साथ जुड़ जाएंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, नहीं तो आप जहाँ से भी करें कोई इशू नहीं है, पर पढ़ें थोड़ा डिटेल में पढ़ें, और साथ में प्रीवियस ईयर्स को साथ में रखें जितने भी हो सकते हैं, लास्ट के 5 से 6 साल के, ज़्यादा ना जाएगा कि कहीं आप 20-20 साल के कर रहे हो, वैल्यूबल नहीं रहता, तो इनसे काम चल जाएगा। बाकी मैं अलग टॉपिक में आपको समझा दूंगा कि कौन से सारे टॉपिक स्टैटिक जीके के आते हैं, तो बस उसका लिंक अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। SSC को लेकर टारगेट बैच ही चल रहा है मेरा, सारे सब्जेक्ट को लेकर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर को लेके, आप लिंक में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट में भी दिक्कत है तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छा फीडबैक रहा है, आप प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। तो बस आज के टॉपिक लेते हैं, थैंक यू।